हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कशन करेंगे, और इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किए थे, और लैडर फ्रिक्शन क्या होता है, वेज्ड फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब के बारे में जाने थे। और जो प्रीवियस वाले लेक्चर था उसमें हम लोग कोई बॉडी अगर प्लेन पर अगर है तब उसमें न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में अगर बॉडी इंक्लाइंड पर पड़ा हुआ है तब उसमें क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला इंक्लाइंड प्लेन का आपको न्यूमेरिकल है। देखिए, इस न्यूमेरिकल में आपको क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन, मतलब एक 500 न्यूटन का एक बॉडी है, ठीक है दोस्तों। लाइज मतलब लाइज का स्पेलिंग थोड़ा गलती है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। लाइज कर, लाइज मतलब कहने मतलब कि पड़ा हुआ है, ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन एट द एंगल ऑफ 25 डिग्री, 25 डिग्री के एंगल पर वो मतलब कि क्या है तो बॉडी है। विथ द हॉरिजॉन्टल मतलब कि उस हॉरिजॉन्टल पे है। इट इज़ सपोर्टेड फॉट और पुल मतलब कि फिर उसको उस बॉडी को खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है। पैरेलली टू द इंक्लाइंड प्लेन डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। पहला दोस्तों बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और फिर दोस्तों आपको बोल रहा है क्या, तो मिनिमम मतलब कि मिनिमम वैल्यू निकालना है अप्लाइड फोर्स का, और एक मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अप्लाइड फोर्स का। और जबकि आपको क्या दिया हुआ था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 20 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना दोस्तों आपका है तो 20 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों, फिगर से आपको कुछ इस प्रकार का बन रहा है। देखिए, पहला मेरा कि यह एक सरफेस है, और इस पर मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, हाँ ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है मान लीजिए, और इस पर मेरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये सब जो पूरा है ना, ये और मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट है उसका एक सेंटर पर भी जो कि है ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि W बराबर 500 न्यूटन है उसका कैच वेट, तो वो नीचे की ओर लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है। और हम बताते हैं दोस्तों कि जो 500 न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसको दो कंपोनेंट में हम तोड़ते हैं, तो पहला कंपोनेंट आ जाता है काची, तो 500 cos 25, और ई में आ जाएगा 500 sin 25। अब देखिए दोस्तों, साइन 25 कहाँ से आया, तो देखिए दोस्तों ये कितना बना रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन से ही बोला गया है कि ये आपको 25 डिग्री का बना रहा है, तो ये 25 डिग्री आपका हो जाता है यहाँ से। तो इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था दोस्तों, हम बता दें कि ऐसे बनता था, मैंने मतलब कि इंक्लाइन प्लेन। अब आप याद करें दोस्तों कि जब यहाँ पे आप अल्फा होता था, ठीक है, और इस पर अगर कोई बॉडी पड़ता था ऐसे, और इस इवल एंगल अल्फा था, और ये बॉडी पड़ा हुआ था, तो इसका जो भी ग्रेविटेशन फोर्स रहता जो नीचे की ओर लगता था, वो मान लीजिए कुछ भी लगता था W, ठीक है। तो इसको जब हम कंपोनेंट में तोड़ते थे, पहला कंपोनेंट इधर जाता था और दूसरा कंपोनेंट नीचे, तो इसको हम क्या लिखते थे, W cos α, ऐसे लिखते थे कि नहीं दोस्तों हम लोग पहले वाले लेक्चर में, अब इधर लिखते थे क्या, तो W sin α। तो इस अल्फा के जगह पे दोस्तों क्या है मेरा 25 है, तो 25 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस W के जगह पर क्या चाहिए, तो W cos 25 यहाँ पर वही लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा W का भी वैल्यू दिया होता 500, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, तो 500 cos 25, और यहाँ पर हम लिख दिए 500 sin 25। तो आई होप दोस्तों आप 25 कहाँ से आया होगा ये समझ गए होंगे। तो बेसिकली उस फिगर में क्या है दोस्तों, कि एक वो ऑब्जेक्ट रखा गया है 25 डिग्री के एंगल पर, और जो इसका वेट है दोस्तों आपको 500 न्यूटन, और इसका अब दो कंपोनेंट में तोड़ेगा तो पहला कंपोनेंट आ जाएगा 500 cos 25, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा 500 sin 25, और इसका एक इस डायरेक्शन को अप्लाइड फोर्स लग रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में हम लोग इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो पहला बार में दोस्तों आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है कितना होगा, और दूसरा बार में आपको क्या निकालना है, तो मिनिमम फोर्स निकालना है, दैट मीन्स इसमें दो केस आपको लगेगा। तो बस वैसा ही इसको कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली निकाल देना है एक बार में। तो वर्टिकली फोर्स कितना लगेगा दोस्तों, तो पहला या पाँच जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो हो जाएगा, और नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो ये मेरा W cos 25, W का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 500, तो 500 cos 25 लग रहा है। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा क्या, 500 cos 25, और हम बताए दोस्तों कि जो ऊपर वाला फोर्स है उसको बराबर कर दीजिए नीचे वाले फोर्स को, नहीं तो फिर नीचे वाले फोर्स को बराबर कर दीजिए ऊपर वाले फोर्स को, तो हम ऊपर वाले फोर्स को बराबर कर दिए नीचे वाले फोर्स से। तो 500 cos 25 को आप कैसे में पुट करिएगा, तो आपको वैल्यू आ जाएगा कितना, 435.15 न्यूटन। बस अब वैसे ही हॉरिजॉन्टली भी आप निकाल दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपको फ्रिक्शन प्लस में
यस, अब देखिए दोस्तों कि आप इस डायरेक्शन में अगर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो इस वाले डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो इस वाले डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, पहला तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और दूसरा कौन फोर्स लग रहा है, दूसरा 500 sin 25 लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस में 500 sin 25 को हम बराबर कर दिए पी मैक्सिमम, मतलब कि यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ से फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, पी -211.31 न्यूटन। अब बस फिर इसको हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए आपको इस वाले फार्मूला को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आपको म्यू और एन दोनों होना जरूरी है। तो यहाँ पर से हमको सबसे पहले म्यू निकालना है। तो म्यू तो हम लोग बताए दोस्तों म्यू बराबर क्या होता है, तो 10 थीटा होता है। और जो क्वेश्चन में क्या दिया गया था दोस्तों, तो क्वेश्चन में दिया गया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो 20 डिग्री है। तो कैन थीटा और टेन थीटा के जगह पे हम 20 पुट कर देंगे और 10 20 डिग्री का मान होता है 0.36। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, म्यू, और म्यू आ गया। तो बस एफ बराबर म्यू इंटू एन पर पुट कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू पुट करिए और पी मैक्सिमम बराबर आ जाएगा क्या, तो 374.44 न्यूटन। ये आ गया आपका पी मैक्सिमम वैल्यू। अब हमको एक बार पी मिनिमम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो पी मिनिमम भी निकालने के एकदम सेम प्रोसेसिंग अपनाना है। बस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक नॉर्मल इसका फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और 500 न्यूटन का फोर्स जिसका जो भी वेट है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो पहला कंपोनेंट आ जाएगा 500 cos 25 और यहाँ 500 sin 25, और फ्रिक्शन फोर्स इस वाला डायरेक्शन में लगेगा, इस वाला डायरेक्शन में। और अभी हम मिनिमम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं जो इस डायरेक्शन में है। तो बस वर्टिकली रिजॉल्व करना है, फिर हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है, और फिर आपको बस यहाँ पर से एफ बराबर जो ई वाला है फार्मूला, एफ बराबर म्यू इंटू एन, मतलब इस वाले पर आपको पुट कर देना है, जहाँ कि म्यू के वैल्यू आपको ऑलरेडी आ ही गया था मैंने प्रीवियस वाले केस में। तो बस सेकंड केस को भी ऐसे ही सॉल्व कर देना है, जो कि आपको पी मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा 48.18 न्यूटन। तो ये आ गया आपका पी मिनिमम का वैल्यू, उधर आ गया था पी मैक्सिमम का वैल्यू। तो आपको दोनों ही सॉल्व हो गया है। तो अब एक और प्रश्न देख लिखते हैं दोस्तों, कि एक और प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 200 न्यूटन है, ठीक है, और वो जो है वो प्लेन इंक्लाइन पर है, वो भी 30 डिग्री एंगल के साथ है, हॉरिजॉन्टली बाय द हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स, मतलब एक हॉरिजॉन्टली अप्लाइड फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, मैंने हॉरिजॉन्टली मतलब कि सीधा। फिर आपको इसमें फिर इसमें आपको बोल रहा है दोस्तों कि इंक्लाइन प्लेन इज 0.25 देन द डिटरमाइन द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब मिनिमम मैग्नीट्यूड आपको इसमें फाइंड करना है दोस्तों। तो इसका फिगर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्रॉ किया गया है। इसमें दोस्तों एक मेरा यह है इंक्लाइन प्लेन है, ये हो गया ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला से इंक्लाइन प्लेन है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला से ऑब्जेक्ट आपको रखा गया है, ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरा, और इस पर आपको क्या, तो पहला नॉर्मल एक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर और इसका एक वेट है मेरा 200 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। तो 200 न्यूटन को पहले हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 200 sin 30 और यहाँ से आ जाएगा मेरा 200 cos 30, ठीक है। अब बात रह गया कि एक हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है तो उसको भी हम लोग लगाते हैं, कैसे लग रहा है देखिए। हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है मतलब पी मिनिमम, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो अभी इस हॉरिजॉन्टली फोर्स में मतलब कि कहना, मतलब इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर देख देखिए दोस्तों, किस वाले पॉइंट पर, आपको इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर दोस्तों, इस वाले पॉइंट पर आपको एक जो ये लगा है हॉरिजॉन्टली फोर्स आपको लग रहा है इस वाले पॉइंट पर, जो कि ऐसा ही है, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टली फोर्स को ही हम यहाँ पर से आगे बढ़ा दी है। तो मेरा ये पी मिनिमम हो गया है, इसकी आगे क्यों लग रहा है, तो हम बताए दोस्तों कि इस वाले फोर्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको हमको दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ता है। तो पहला कंपोनेंट में तोड़े तो क्या आ गया, तो पहला कंपोनेंट में तोड़ोगे तो मेरा आ गया है पी cos 30 डिग्री, और मेरा दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, तो पी sin 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री के एंगल पर ही ये लगा रहा था। तो जिस वाले के साथ एंगल रहता है तो उसी को हम लोग कॉस कंपोनेंट बोलते हैं, और जिस वाले के साथ नहीं रहता उसको हम साइन कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को निकल आया है, मतलब कि दो कंपोनेंट भी हमको आ गया है, और तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को दो कंपोनेंट भी आ गया है, पहला पी sin 30 डिग्री और फिर पी cos 30 डिग्री, और इसका भी हमको दो कंपोनेंट हम तोड़ चुके हैं, 200 sin 30, यहाँ से 200 cos 30, और यहाँ पर पी मिनिमम वैल्यू है। तो एक बात सोचने वाले है दोस्तों कि हम लगा रहे फोर्स इस वाले डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन से ही दिया गया है क्या, तो म्यू बराबर आपको दिया गया है 0.25। तो ये तो और आसान हो गया दोस्तों कि आपको म्यू बराबर दे दिया है, तो बस आपको फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस वर्टिकली फोर्स रिजॉल्व करिए, जो कि आ जाएगा एन बराबर 173.20 प्लस में 0.5 पी।
और फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करिए तो यहाँ से आपको आ जाएगा एफ फ्रिक्शन बराबर 100 माइनस 0.86 पी। यहाँ से फार्मूला पुट करिए तो इस सबको आपको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पी बराबर आ जाएगा क्या, तो 56.8 भागा 0.985। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 57.56 न्यूटन। यहाँ से पी मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, तो 57.56 यहाँ से आपको क्या हो गया था आंसर हो गया। तो एक प्रश्न दोस्तों ये आपके लिए भी है, तो इसे आप बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जनरली इसमें एक बॉडी है जिसका वेट है आपको 500 न्यूटन का और इसमें जो एंगल बन रहा है वो 30 के बन रहा है, तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, तो इसमें आपको फाइंड करना है जबकि आपको कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है 0.20 और वेन द फोर्स इज अप्लाइड मतलब 60 डिग्री से आपको फोर्स इसमें अप्लाइड हो रहा है, तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए दोस्तों इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड किए थे इस वाले प्रश्न में, तो इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है और इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपको हिंट के लिए मैं फिगर बना दिया हूँ, तो बस इसको आपको सॉल्व करने में और आसानी होगा इस फिगर को देखकर। तो चलिए दोस्तों आप इसे सॉल्व करें। तो हाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि आपका यह फ्रिक्शन चैप्टर ये कम्प्लीट हो चुका है और अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा उसमें आपको सीजी के बारे में पढ़ाया जाएगा और ये आपका यूनिट 4 है, ठीक है दोस्तों। और यूनिट 4 के बाद एक लास्ट चैप्टर बच जाएगा जो कि है सिंपल मशीन, वो लास्ट यूनिट है, उसके बाद आपका यह मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल किस वाले वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वाले वीडियो में। अगर वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तो शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक लिए देखते रहे इस वीडियो सीरीज को, धन्यवाद।